स्मार्टफोन में अपनी अलग और मुनफरद शनाख्त रखने वाला आईफोन, जिसके इस्तेमाल का जो आदी हो जाए वो किसी और फोन की जानिब रुख ही नहीं करता। एप्पल कंपनी ने सितंबर में आईफोन 13 के 4 नए मॉडल्स पेश किए थे। अब कंपनी ने इस जानिब इशारा दिया है कि वो एक ऐसा आईफोन लाने का मंसूबा बना रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर शीशे यानी ग्लास से तैयार होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल को मुतालिका हुकूक मिल गए हैं, जिसे आम फहम जुबान में पेटेंट राइट्स कहा जाता है, कि वो ग्लास से बने इस फोन को तख्लीक कर सकता है। इत्तला तो ये भी है कि एप्पल सिर्फ आईफोन ही नहीं बल्कि एप्पल मैक प्रो और रिस्ट वॉच भी ग्लास से बनाने पर गौर कर रहा है। अलबत्ता ये बात हतमी नहीं कि ग्लास से बने ये प्रोडक्ट्स कब मार्केट में लॉन्च कर दिए जाएंगे। बेशतर माहिरीन का ख्याल है कि ग्लास से बने आईफोन का इस्तेमाल इंतहाई नाजुक और हसास होगा, क्योंकि उनकी स्क्रीन को मामूली सा भी नुकसान हुआ तो पूरा फोन खराब हो सकता है। देखते हैं कि कैसे एप्पल किस तरह से शाहकार बनाता है, और ये सारे सवाल जो एक आम आदमी के जहन में है वो एप्पल इंतजामिया के जहनों में भी होंगे। अलबत्ता मैक प्रो का ग्लास से तख्लीक वाकई दीद अमल होगा, क्योंकि उसको ऑपरेट करने में खासी महारत दरकार होगी। जिस तरह एप्पल ने इन प्रोडक्ट्स को मुतारिफ कराने की कोई तारीख देने की तरफ इशारा नहीं किया, वहीं उनकी कीमत के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। याद रहे कि एप्पल आईफोन मैक्स पर 13 की इस वक्त कीमत लगभग 2,93,000 पाकिस्तानी रुपए मार्केट में है, तो अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्लास साख का ये आईफोन कितना महंगा हो सकता है।